गवर्नर स्पीच पढ़ेंगे जो सरकार ने लिख कर के दे दिया। सरकार का ये डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट में सच्चाई नहीं है। जिस डॉक्यूमेंट में सच्चाई ना हो उसका विरोध करना जरूरी है। क्या किसान की आय दोगुनी हो गई? जो बेरोजगारी चरम सीमा पर है क्या उसके समाधान है? न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं आप इस सरकार में? न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं आप? और फिर सरकार ने जितनी बातें इसमें बताई हैं किसी पन्ने को उठाकर देख खोल लीजिए आप अपने हिसाब से। स्वच्छ भारत मिशन क्या है? स्वच्छ भारत मिशन किस शहर में कूड़ा नहीं है, किस शहर में नालियां गंदी नहीं पड़ी? और स्मार्ट सिटी के नाम पर जो पैसा आया क्या बर्बाद हुआ नहीं हुआ? G20 का सपना दिखा रहे, एयरपोर्ट पे कुत्ते घूम रहे हैं। अगर G20 का आयोजन कर रहे हैं, दुनिया को आप शोकेस कर रहे हैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने सरकार की चीजें, और बताओ एयरपोर्ट पे कुत्ते घूमे? जो आपने गमले लगाए गमले सूख गए। ये खुशी में तो बुलाया आपने, स्वागत किया, लेकिन उसके बाद क्या? वही जीरो। आप किसी पन्ने को उठा लीजिए, आप फिर बदल दीजिए, किसी पेज को उठा लीजिए। अब लीजिए, आप आइए वित्तीय वर्ष 22-23 में इतना किसानों को सुविधा दे दी। अगर सुविधाएं दी होती तो आज किसानों की आय दोगुनी होती। और मैं तो पत्रकार साथी से कहूंगा अपने आप पन्ना खोल के बता दो, आप उसी पन्ने पे मैं बहस करने के लिए तैयार हूँ। आप खोलिए, इमरान आप खोल दो, जो पन्ना खोलना चाहो खोल दो, खोल के दे दो मुझे। सरकार दावा करती है कि कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है। कानून व्यवस्था बुलडोजर से ठीक होगा? एक माँ और बेटी की जान चली जाए, जल कर के मर जाए, इससे ज्यादा शर्मनाक, इससे ज्यादा निंदनीय क्या बात हो सकती है? क्या सरकार ये स्वीकार करेगी कि उसी की गलती की वजह से बुलडोजर चला, उसी के प्रशासन की गलती की वजह से जान गई? क्या अधिकारी क्या कर रहे थे वहाँ? आखिरकार जो अधिकारी वहाँ थे किस क्या कर रहे थे आखिरकार? क्या बुलडोजर से जान ले ली? क्या दुनिया में मुझे एक उदाहरण दे दो दुनिया में कि बुलडोजर चला दें गरीब की झोपड़ी पर, गरीब की झोपड़ी पे आग लगा दें और पुलिस भाग गई, प्रशासन भाग गया, जिसकी जिम्मेदारी है बचाना। अगर घटना हो कहीं, हम यही भरोसा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि पुलिस और प्रशासन हमारी जान बचाएगा या हमारी मदद करेगा, और वही प्रशासन जान ले रहा, वही प्रशासन बुलडोजर चला रहा। सरकार कह रही है कि सदन में चर्चा कर सकते हैं, हंगामा समाजवादी पार्टी के। अरे चर्चा, हंगामा क्यों कर रहे हैं, चर्चा करिए। क्या क्या सदन में बुलडोजर आएगा क्या? आप बताइए, आप नहीं पीटे गए क्या अभी? आज सदन में जब विधायक, ये कोई परंपरा पहली नहीं है। विधानसभा में चौधरी चंद सिंह जी की प्रतिमा पर हर बजट सत्र में या जब कभी सदन शुरू होता है जनता के सवाल लेकर के विधायक वहाँ बैठते हैं। क्या जनता के सवाल लेकर के विधायक नहीं बैठ सकते वहाँ विधानसभा के सामने? आपके कैमरे नहीं टूटे, आपको नहीं दौड़ाया गया? तो जो सरकार पत्रकार साथियों पे भी लाठी चला दे, जो सरकार प्रशासन से गरीब की झोपड़ी में आग लगा के माँ बेटी की जान ले ले, क्या उम्मीद करोगे उससे? ये एक दो घटनाएं नहीं है, उत्तर प्रदेश में भरी पड़ी है घटनाएं। आपको क्या लगता है? आप भी एक पन्ना खोल दो, लीजिए देखें सरकार का, खोलिए जो पत्रकार। अरे पहले गमले बचाओ तब जीआईएस G20 की बात करना। आपने बाहरी की बात की, योगी आदित्यनाथ की बाहरी से जनगणना। देखिए समाजवादी पार्टी इस पक्ष में जाति जनगणना हो, बहुत सारे दल इस पक्ष में है कि जाति जनगणना हो, न केवल प्रदेश में, देश में बहुत सारे दल हैं जो ये चाहते हैं जाति जनगणना हो। और बिहार ने एक उदाहरण पेश किया है, हालांकि समाजवादियों की सरकार बनी होती तो उत्तर प्रदेश में अभी तक जाति जनगणना हो गई होती। सर केशव प्रसाद बीजेपी ने कहा है कि आप लोगों की सरकार पहले थी और केंद्र में आपके सपोर्ट सरकार बनी थी, उस वक्त आप लोगों ने, ये बीजेपी वाले अंधे हैं क्या या बहरे हैं? नेताजी से लेकर के जितने भी दक्षिण भारत के नेता थे, सदन में जिस समय जनगणना शुरू होने जा रही थी उस समय इस बात को रखा गया था और उस समय की सरकार ने यह स्वीकार किया था कि जाति जनगणना कराएंगे। जाति जनगणना हुई लेकिन उसके आंकड़े आज तक जनता के सामने या किसी के सामने नहीं आए। फिर एक बार जनगणना शुरू होने जा रही है, हमारी मांग है, और अगर दिल्ली सरकार नहीं करती है तो प्रदेश स्तर पर इसकी जनगणना होनी चाहिए।